जामताड़ा जिला झारखंड में कोयला उत्खनन और परिवहन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। सरकार एक ओर जहां कोयला ढुलाई में राजस्व को लेकर सख्ती बरत रही है, वहीं इसे भाजपा ने सरकार का अड़ियल रवैया करार दिया है। सरकार के सख्त निर्देश के बाद चित्रा कोलियरी से कोयले की ढुलाई बंद है। डंपर चालकों ने रॉयल्टी एवं मुद्दों को लेकर कोयला ढुलाई का काम बंद कर दिया है। इसे लेकर भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव की रणनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री के निर्णय को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के साथ है और चित्रा कोयलरी में माफिया राज कायम है जिसे चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोयला ढुलाई करने के लिए चलने वाले डंपर मालिकों, ड्राइवरों और लेबर की ओर भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जनवादी मजदूर संघ के प्रदेश सदस्य शत्रुघ्न पंडित ने बताया कि गाड़ियां नहीं चलने से लेबर और गाड़ी मालिकों को खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक महीने पहले उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय में ज्ञापन भी दिया है और वहां से आश्वासन भी मिला है कि 15 दिन में उनके तेल के पैसे और बाकी बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा, पर 25 दिन हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन्होंने किस्त पर गाड़ियां ली हैं, वो गाड़ियों की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। पहले लॉकडाउन ने मारा जब पूरा देश बंद था, अब ये हड़ताल की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई है, ऐसा एक गाड़ी के मालिक ने कहा। सरकार ये दिखाना चाहती है भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए, झारखंड से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। इनडायरेक्ट में ये लड़ाई लड़ने के लिए अब ये एक तरफ से जो है ये मजदूरों को, विस्थापितों को, डंपर मालिक को, ट्रक मालिक को, डीओ होल्डर को, कैजुअल मजदूरों को आज रोजी सामने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये किसी सरकार आप चला रहे हो भैया? सरकार के नाम पर आप सरकार चला रहे हैं और जनता को मार रहे हैं भूखे आप। इसी को लेकर आज चित्रा कोली में हजारों की संख्या में मजदूर, कैजुअल, डीओ मालिक, ट्रक मालिक, डंपर मालिक, ड्राइवर, खलासी, विस्थापित, इसियल इम्प्लाई सभी गोलबंद हुए आज। चित्रा को बचाओ, चित्रा बचाने के लिए लोग गोलबंद हुए। मुझे बुलाया लोगों ने, मैं आया, आगे संबोधित किया और मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते अंतिम दम तक चित्रा को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा और झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, जिला के उपायुक्त को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, इस समस्या का आप समाधान करें। तो हजारों लोगों की रोजी रोटी इस प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। देश को कोयला चाहिए, बिजली संकट हो जाएगा, लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, मजदूर को कोयला नहीं जाएगा, तो इतनी बड़ी क्रिटिकल समस्या है और जिला प्रशासन चुप बैठा हुआ है, चित्रा कोली का महाप्रबंधक चुप बैठे हुए हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने जो है सो एक बैठक किया है और आगे इस आंदोलन को और तेज हम लोग करेंगे। जब तक झारखंड सरकार चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारे मित्र साथी रणधीर सिंह जी का जो आरोप है, सरकार पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद आरोप है। लूटने की छूट हम लोग नहीं दे सकते। चित्रा कोलोरी 2 नंबर का अड्डा है, माफियाओं का अड्डा है चित्रा कोलोरी। मजदूर को आगे लाकर मोटी रकम वसूलता है चित्र माफिया लोगों का, और जो कोयला की लोग बात कर रहे हैं, कोयला तो मात्र नाम का है, सारा सेटिंग है। चित्रा का मतलब सेटिंग। हम भी उस मजदूरों के साथ हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ हैं, लेकिन अभी कुछ लोग बौखलाए हुए हैं वहाँ पर, कुछ माफिया किस्म के लोग बौखला गए, तो सीधा लाभ मजदूर के आड़ में पूंजीपति हो गए और मजदूर मेरा गरीब से गरीब हो गया। ये सारी जानकारी है। और चित्रा प्रबंधक जो है ये भाजपा का एजेंट है। ये रणधीर सिंह जी अभी मैनेजमेंट को गाली दे रहे हैं, लेकिन दोनों का सांठ गांठ है, माफिया है प्रबंधक, इसको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं पहले, उसके बाद ही साइडिंग होगा मेरा चलेगा और चित्रा स्कूल निकलेगा। इतना पैसा निकला है चित्रा से, इतना कोयला निकला है, अरबपति हो गया वहाँ लोग, कोई बोले वाला नहीं है क्या? आज हेमंत सोरेन की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, कोयला किसी कीमत पर नहीं अभी लोडिंग होगा, नियम संगत जो है वही होगा, और जितना भोंकना भोंक लीजिए, मतलब जितना बोलना बोल लीजिए। मैं जनवादी मजदूर संघ का प्रदेश सदस्य हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर लेबरों का ज़्यादा परेशानी है। ज़्यादातर लेबर जो है डंफर के साथ जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हो, खलासी हो,
उसके बाद ओनर भी हो, ओनर को भी सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट के द्वारा सही भुगतान नहीं मिलता है। तेल के अवज में हम लोग स्ट्राइक किए थे आज से एक महीना पहले, जो डीसी सभागार कक्ष में उसमें फैसला हुआ था ट्रांसपोर्टर ईसीएल प्रबंधक के द्वारा, जो तेल का पैसा जो बकाया है उसका भुगतान हम लोग 15 दिन के भीतर कर देने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक तेल का पैसा भी भुगतान नहीं किया है। और आज से 20-25 दिन होने जा रहा है, हम लोगों का जितना चित्रा से जामतड़ा साइडिंग में जो भी गाड़ियां चल रही, सब गाड़ी को ट्रांसपोर्टर और ईसीएल प्रबंधक के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। और जितना भी इसमें जुड़े हुए आदमी है, मालिक हो, ड्राइवर हो और खलासी हो, सबको अभी भुखमरी का स्थिति पैदा हो उत्पन्न हो गया है। और अभी भी मैंने डंपर चलाने का पक्ष में ईसीएल प्रबंधक कुछ निर्णय नहीं लिया है, हम लोगों का सही भाड़ा नहीं दे रहा है। हम लोग 9 टन का प्रस्ताव दिया है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, तो 9 टन का भाड़ा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 140 रुपया के हिसाब से बोल रहा भाड़ा देंगे, तो हम लोगों का तेल का ही पैसा उतना लग जाता है, 1600 रुपया एक ट्रिप में तेल का पैसा लगता है, तो हम लोगों का क्या बचा है? हम लोगों का इसमें कुछ बचता नहीं है। ड्राइवर का तनख्वाह नहीं निकलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? मेंटेनेंस खर्चा है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, सारी कागजात हम लोग दुरुस्त कर लिए हैं, जिसमें बहुत सारी पैसा हम लोगों का इन्वेस्ट हुआ है। बोला कि आप लोग कागज बनाइए, जो भी टैक्स है, फिटनेस है, इंश्योरेंस, जो बकाया भुगतान है, बकाया भुगतान कर दीजिए। हम लोग सारा चीज़ भुगतान कर दिए, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट वगैरह जो भी है, सारा कागजात हम लोग कंप्लीट करा लिए, तो पर भी अभी ट्रांसपोर्टर नहीं चला रहा है गाड़ी। परेशानी है सर कि लॉकडाउन में जो गाड़ी बंद हुआ, जो अभी चलिए नहीं रहा, जो 5-6 ट्रिप चल रहा था वो भी सब बंद है गाड़ी घोड़ा। और जो तेल का जो बात था देने के लिए, पैसा दुर्गा पूजा बाद देंगे ना, वो भी नहीं दिया है। अब मेरा जो डंपर है, अभी जो मैं 80% में विकलांग है, इसमें से अभी गाड़ी घोड़ा बंद है, वो क्या करके हम लोग खाएंगे चलाएंगे रोजी रोटी? तेल का पैसा बोला था वो भी नहीं दिया है। बोलिए, जो मेरा पेंशन आ रहा था 1000 वो भी बंद है। अब तो हमको ट्राईसाइकिल लेके रोड में हमको भीख मांगने होगा, जो परिस्थिति है चितला का अभी। क्या नाम है आपका? लाखपोती गन सर। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।